सर देखिए क्वेश्चन में कितना था, सर क्वेश्चन नंबर 23 बना रहे थे अपने लोग, तो 23 में आप देखो क्वेश्चंस को रीड करो क्या क्या दिया। फिक्स्ड एसेट्स और नेटवर्थ है, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का प्रोपराइटर्स कैपिटल दैट इज इक्विटीज इज कैपिटल, प्रिफरेंस इज कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस। अच्छा ये प्रोपराइटर है, कंपनी तो नहीं है, तो सिर्फ कैपिटल रिजर्व इन सरप्लस होगा, है ना। तो ये दोनों हमारा है, मतलब इसमें रिजर्व भी क्या है, इंक्लूड है कि नहीं है, इसमें रिजर्व इंक्लूड है नेटवर्क में, और फिक्स एसेट 0.8 बोल दिया है, करंट रेशियो 3:2 है, और रिजर्व बोल दिया कि प्रोपराइटर्स फंड में जो आएगा उसका 25% क्या है रिजर्व, ठीक है, रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोपराइटर्स फंड कितना परसेंट है 25%, तो बाकी का 75% क्या है कैपिटल। फिर क्या लिखा है सर, एसिड टेस्ट रेशियो कितना है 3:2 है, फिक्स एसेट आपको बोल दिया 8 लाख रुपया, कैश एंड बैंक बैलेंस 15,000 रुपया, और करंट लायबिलिटी दे दिया 1.5 लाख रुपया, द फर्म हैज नो बैंक ओडी, राइट। तो करंट लायबिलिटी से आपको ये क्वेश्चन को रीड करके ना रेशियो का लिंक पकड़ना है, क्या पढ़ना है सर, कौन सा रेशियो से क्या जाएंगे। तो पूरा आप लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, अब एक रेशियो से एक निकलेगा, उसको दूसरा रेशियो में निकाल यूज करके फिर से दूसरा निकालना है, इस तरह से चेन बनाना होगा। तो जो सबसे पहला रेशियो है ना वही इंपॉर्टेंट है, किस रेशियो से आप स्टार्ट करो, आप देखो करंट लायबिलिटी गिवन है 1.5 लाख का, और करंट रेशियो आपको गिवन दे दिया, उससे क्या निकल जाएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स निकल गया नहीं, नहीं फर्स्ट से कैसे होगा आप बताइए, फिक्स एसेट्स से कैसे होगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने लोग सबसे पहले मान ले किसी से भी स्टार्ट करते हैं, पहले करंट से स्टार्ट करते हैं, तो सर 1.5 लाख था, उसको अपने लोग करंट रेशियो में पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटी पता है, एसेट टेस्ट रेशियो दे दिया, बैंक ओडी नील है तो क्या निकल गया स्टॉक पता चल गया, करंट एसेट्स इक्वल टू स्टॉक इन्वेंट्री डेटर और कैश और बैंक होता है, तो करंट एसेट्स का टोटल में स्टॉक पता है आपको, कैश एंड बैंक पता है, तो डेटर निकल गया, पूरा करंट एसेट्स निकल गया, फिक्स एसेट्स ऑलरेडी दे दिया है, करंट लायबिलिटी भी निकल गया है, ठीक है। अब उसके बाद में फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ करके आप नेटवर्थ निकालनी है, नेटवर्थ का 25% रिजर्व है, बाकी क्या है कैपिटल हो गया, लायबिलिटी साइड में सब निकल गया, अब जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो क्या होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी होगा, नहीं समझ में, चलिए रास्ते में एक तो लग गया भाई, आप लिख नहीं पा रहे, देखिए सर सिंस करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू, कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा, समझ गए, सीए का मतलब बहुत कुछ होता है, शॉर्टकट लिखने का तरीका क्या है, इसको ब्रैकेट में एक बार एक जगह पे लिख दिए, इसको ब्रैकेट में इस तरह से बैठा दिए, समझ गया, आप सीए और सीएल आप यूज कर सकते, करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना दिया था, करंट लायबिलिटी, तो 1.5 लाख × 3 राइट, कितना हो गया 4.5 लाख, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी भी पता है, अच्छा यहां पर एक लाइन स्किप हो गया, करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी × 3,
ठीक है सर, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दे दिया है तो क्विक रेशियो में आप बैठा दोगे, एसेट टेस्ट रेशियो बैठा हो, एसेट टेस्ट रेशियो कितना इक्वल टू कितना है इसमें बैठाइए, इससे क्या निकल जाएगा स्टॉक निकल जाएगा, निकालिए प्लीज। Thank you.
एक मिनट सर, एक जन को बस प्रिंट करके दे क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ लीजिए। ए भाई साहब ये सब चीजें आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, सबका प्राइवेट लाइफ है भाई, इतना एक्साइटमेंट क्या है? ये लेकिन ना मजा आता है। नहीं टीचर लोग अगर कुछ पता चल जाए ना तो गॉसिप, अरे बाप, वो ट्विटर से ज्यादा वायरल होगा। तुम लोग बहुत शैतान है भाई। भाई साहब थैंक यू सो मच, मेरे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी का पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता नहीं हूँ और अगले से भी वही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इनडायरेक्ट में ये बोल रहे हैं कि कल को अगर मेरे को कहीं देखे होके तो उस वक्त मत आएगा, तो वही मारें। समझ गया? सॉरी सर, पेंट हुआ कि नहीं हुआ? आगे बनाएंगे ना आप लोग? आगे नहीं सर, मैं बनाएंगे फिंगर, उसको यूज करेंगे, उसको निकालेंगे और बोले बोले ना वो स्ट्रोक देखो क्या है।
देखिए सर ठीक से ऐसे क्या निकाले आप लोग एसिड एसिड से निकाल लिए ना एसिड एसिड को फॉर्मूला लिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी बैंक ओडी बोल दिया था जीरो है रिमेम्बर करंट एसेट्स कितना हो गया 4 लाख माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1.5 लाख माइनस नील इक्वल टू 3/2 और ये 3 लाख इंटू कितना हो जाएगा ये 4,50,000 इक्वल टू कितना हो गया 9 लाख माइनस टू स्टॉक स्टॉक यहां लेके आया 2 स्टॉक इक्वल टू 9 लाख माइनस 4,50,000 देखो स्टॉक इक्वल टू 4,50,000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2,25,000 हो गया यहाँ देखो क्या दूसरे वाले में देखिए अब क्या है सीन्स करेंट एसेट्स इक्वल टू करेंट एसेट्स इक्वल टू कितना था 4,50,000 इसमें नॉर्मली क्या आता है सर इन्वेंटरी स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश एंड बैंक इक्वल टू 4,50,000 और सिर्फ डेटर निकालना अपने को तो डेटर इक्वल टू 4,50,000 माइनस इन्वेंटरी माइनस कैश एंड बैंक 4,50,000 इन्वेंटरी कितना है 2,25,000 और कैश एंड बैंक कितना है
निकल गया करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स भी पूरा हो गया। अगर आप बैलेंस शीट अगर आप चेक करोगे, ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट में बनाइएगा ना इस तरह से, टी फॉर्मेट भी कर सकते हैं और वो अपना शेड्यूल वाला भी कर सकते हैं। आज हम जो भी डेट है यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितना दे दिया था, कितना था, 8 लाख रुपए। करंट एसेट्स ₹450,000, बट इसके नीचे में ऐसे लिखते हैं अपने लोग इन्वेंटरी कितना, 2,25,000। डेटर हो गया ना, ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000 रुपया, और क्या कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना रुपया, ये हो गया, समझ गए। अगर आप लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो क्या है, कैपिटल है, और क्या है, रिजर्व एंड माइट भी कोई नॉन करेंट लायबिलिटी हो सकता है, और क्या है करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ, 1,50,000। सिर्फ बचा क्या कैपिटल रिजर्व एंड नॉन करेंट लायबिलिटी निकालना है, तो रेशियो में जाके देखिए अब कौन सा रेशियो बचा है, चेक करे देखिए, फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ, इसको निकालना है, ये उतार लिया पूरा, उतारे अच्छा खासा ऑडिट का पैसा बाकी है भाई। तुम कुछ भी कर सकते हैं, नए वाला काम थोड़ा अच्छा कर दिया अभी, ITR 6.5 ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, 3.6 सब ऑनलाइन हो जाता है, और ऑनलाइन अच्छा है, अभी तो हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा था, जो रिसेंटली अपडेट वगैरह किया तब हो रहा, 3 हो रहा था, 6 नहीं हो रहा, 6 के लिए वो इतना ये था, अभी अच्छा कर दिया भाई, जल्दी हो जाता है थोड़ा, एक दिन में अगर बैठते हैं तो वही 4-5 घंटे में 4-5 खत्म। सर हो गया, नया पोर्टल है ना, आर्टिकल लोगों को भी सिखा नहीं सकते, पहले खुद देखने पड़े, सर हो गया। देखिए उसके बाद भी आइए, क्या लिखा हुआ है, फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो, कितना है बताइए, 0.8:1 होगा, इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो रहा है, फिक्स एसेट्स ऊपर रहेगा, नीचे में क्या रहेगा सर, 0.8 / 1,
यही है तो नेटवर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेटवर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगी, फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय 0.8। देखिए सही है, ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फिक्स एसेट वहां रहा, फिर ये 0.8 इसके नीचे चला गया, फिक्स एसेट डिवाइड बाय 0.8 हो गया, क्लियर है। नाउ फिक्स एसेट बताइए कितना रुपया, 800,000 डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल टू हाउ मच, नेटवर्थ इज इक्वल टू 10,00,000, ठीक है। ये नेटवर्थ हो गया सर 10,00,000 रुपया। अब इसमें से क्या लिखा था, रिजर्व इंक्लूडेड क्या लिखा, देखिए रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोपराइटर्स फंड। अब रिजर्व अगर शेयर कैपिटल पे बोलता ना, शेयर कैपिटल कैपिटल के ऊपर में 25% है तो ये थोड़ा अलग होता, तब इसका मतलब दिस इज 125%, बिकॉज नेटवर्थ इक्वल टू क्या होती है, नेटवर्थ इक्वल टू क्या होता है सर, कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व, और इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर्स फंड। तो वो 25% किसका बोल रहा है, 25% इसी का बोल रहा है, तो 10,00,000 का 25% अपने लोग का आंसर आएगा। लेकिन अगर किसी किसी क्वेश्चन में देखेंगे ना, रिजर्व टू शेयर कैपिटल लिखा रहता, क्या लिखा रहता, तो इसका मतलब वो शेयर कैपिटल में 25% है, तो आप इसके ऊपर 25% नहीं निकाल सकते, तब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 125% हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व के ऊपर में अगर आप, अगर कैपिटल के ऊपर में रिजर्व बोल दिया, इसका मतलब रिजर्व 25 है तो कैपिटल 100 है, तो ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 125, तो यहाँ 25 पे 125 करेंगे, क्लियर है। तो देयरफॉर यहाँ रिजर्व निकाल लीजिए, 25% ऑफ 10,00,000 कितना हो गया, 2,50,000, तो कैपिटल निकल जाएगा, है ना सर, कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,00,000 माइनस 2,50,000 इक्वल टू 7,50,000 रुपये, इक्वल टू 7,50,000 रुपये, नहीं रिजर्व में सब लोग भी इंक्लूड है ना, तो 2,50,000 7,50,000, तो बैलेंस शीट जो हमारा था वहां पे बैठेगी, बैलेंस शीट में क्या बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा 7,50,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो गया। टोटल जोड़िए, जोड़ के देखिए क्या दोनों साइड मैच हो रहा है, इस साइड कितना है 12,50,000, इस साइड कितना है 11,50,000, तो 1,00,000 रुपया आ रहा ना सर, 1,00,000, तो 1,00,000 इसका मतलब क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, बट नॉन करेंट लायबिलिटी को बैलेंसिंग फिगर नहीं बैठा रहा, उसको भी निकालेंगे, इसको अगर नोट वाइज करेंगे ना, तो ये मेरा हो गया नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, फिर ये करेंट एसेट वाला नंबर 3, ये हो जाएगा डेटर, आप यहाँ से निकाले, ये होगा नंबर 4, ये होगा नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये नॉन करेंट लायबिलिटी समझ नहीं, कैसे निकलेगा नॉन करेंट लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी माइनस कैपिटल, माइनस कैपिटल, माइनस रिजर्व और माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स, तो ये कितना आ जाएगा, 12,50,000, यहां पर भी 12,50,000, तो टोटल लायबिलिटी इक्वल टू 12,50,000, कैपिटल और रिजर्व शोल है ना, ये आपका प्रोपराइटर फंड कितना आ गया था, 10,00,000, तो तोड़ के लिख भी सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं, 7,50,000 माइनस 2,50,000 और करंट लायबिलिटी 1,50,000,
तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 लाख रुपया क्या बढ़ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी इक्वल टू आंसर हो गया 12,50,000। खत्म। इजी अब लग रहा है ना सर? सिर्फ बैलेंस शीट है, पीएल बैलेंस शीट सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा हूं मैं, ज्यादातर बैलेंस शीट है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस किए हैं और होमवर्क वगैरह सही से किए हैं तो ये मक्खन जैसा इजी लग रहा हो, समझ में? 15 मार्क्स है इसको, हार्डली बनाने में टाइम लगेगा, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा जिनका प्रैक्टिस अच्छा किया हो। और जो अगर सही से नहीं किया है क्लियर हुआ, तो आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं कराते हैं सर, हम सोचते हैं तभी कराते हैं। होमवर्क भी लिखिए, क्वेश्चन नंबर ये अच्छा क्लास में115-116 पूरा तो नहीं देंगे बट नेक्स्ट क्लास में रहेगा सर, सिर्फ दो ही होमवर्क का ना बन जाएगा। तो नहीं आई है।